नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इंडियन नेवी MR के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा चुके हैं अक्टूबर 2020 बैच के। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे कमेंट में आ रहे हैं कि अब की बार फोन ऑनलाइन फॉर्म जब भरा उसमें सेंटर चूज करने का ऑप्शन नहीं आया था, क्या एग्ज़ाम सेंटर दूर आएगा या फिर एग्ज़ाम सेंटर नियर बाय आएगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों, कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनके फॉर्म में छोटी मोटी मिस्टेक्स हो गई थी, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या फिर एड्रेस में मिस्टेक हो गई, तो उनका क्या होगा, क्या उनका एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, और फॉर्म में अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है तो आपका क्या होगा। तो ये सारी बातें दोस्तों डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा, आपके सारे डाउट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम एग्ज़ाम सेंटर की ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको आपने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया है कि एग्ज़ाम सेंटर नहीं भरा गया था। जी हाँ दोस्तों, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अब की बार एग्ज़ाम सेंटर नहीं भरा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों इंडियन नेवी ने कहा है और कई कैंडिडेट को मेल और मैसेज के थ्रू भी जो है अपडेट मिल रहा है कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा इंडियन नेवी MR SSR AA के लिए, वो नियर बाय सिटीज़ में ही होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नियर बाय सिटीज़ में कौन सी सिटी में, जैसे कि NCR का तो मैक्सिमम दिल्ली ही आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जहाँ पर भी आपके नियर बाय ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका एग्ज़ाम आ जाए। जी हाँ दोस्तों, आ सकता है। उसके साथ ही साथ जिन कैंडिडेट ने पहले जो है फॉर्म अप्लाई किया है उनकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि उसी एग्जामिनेशन सेंटर में आए। बाकी दोस्तों, हर एग्ज़ाम सेंटर में एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट को ही बुलाया जाता है। तो अगर आपने बिल्कुल लेट से फॉर्म अप्लाई किया था तो आपका मे नोट भी जो है वहाँ पर न आए, तो ये दोस्तों हो सकता है। बाकी एग्ज़ाम सेंटर से रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट जो है आ चुका है कि आपकी नियर बाय सिटीज़ में ही आपका सेंटर आएगा। बाकी दोस्तों, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नियर बाय नहीं आया तो विद इन 100 किलोमीटर 101% आपका एग्जामिनेशन सेंटर आ जाएगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कि अगर हमारे फॉर्म में छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों इंडियन नेवी ने ऑफिशियली जो है कह दिया है कि वहाँ पर जब आपका एग्ज़ाम सेंटर में आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपकी सारी डिटेल बिल्कुल अच्छे से मैच की जाएंगी, किसी भी गलती को नहीं बख्शा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके जो है फॉर्म में छोटी मोटी गलती हो गई है, जैसे कि एड्रेस में, एड्रेस की जो गलती होती है दोस्तों वो जो है कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आती है। मेन जो होता है वो आपका नाम होता है, आपका फादर नेम होता है, आपका मदर नेम होता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, ये डिटेल जो है होती है। उसके बाद दोस्तों, वहाँ पर आप इन्होंने कहा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को भी मैच किया जाएगा, तो ये आपको ही पता होगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। बाकी दोस्तों, एडमिट कार्ड आपका डेफिनेटली आएगा, कोई भी चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दोस्तों, एक और लास्ट जो जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने पूछा था कि क्या अब की बार नेवी MR की कट ऑफ हाई जाएगी, तो यहाँ पर मेरा जवाब है दोस्तों, डेफिनेटली हाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था, 400 पोस्ट तो आपकी नेवी MR में होती ही हैं हर साल, तो 400 पोस्ट के लिए वहाँ पर 4 गुना यानी 1600 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता था PFT और प्लेनरी मेडिकल के लिए। लेकिन दोस्तों, अब की बार ऑफिशियल अपडेट आप देख भी सकते हैं कि कहा है कि आपकी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फिजिकल और प्लेनरी मेडिकल के लिए वो अप्रोक्सीमेटली 1200 रहेंगे। अब ये 1100-1150 भी हो सकते हैं, 1250 भी हो सकते हैं, लेकिन नियर बाय आपके 1200 कैंडिडेट को ही PFT और प्रिलिमिनरी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो डेफिनेटली कट ऑफ तो हाई ही जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कट ऑफ आपकी PFT और मेडिकल के लिए गई है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वही आपकी फाइनल कट ऑफ भी रहे, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों, इनसे रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी दूसरा डाउट है तो आप बेझिझक जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इंडियन नेवी MR की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बेस्ट बुक का लिंक दिया हुआ है। मेनली जो है ये एक प्रैक्टिस सेट बुक है जिसमें आपको 35 सोल्ड प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और कीमत केवल 100 रुपीज़ है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अमेजन के थ्रू घर बैठे आप जो है इसे मंगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से खरीद लीजिएगा। बाकी दोस्तों,
कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।